अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा विगत दिन पूर्व रामानुजगंज के कांग्रेसी विधायक बृहस्पत सिंह के द्वारा आदिवासी समाज को लेकर के दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने आदिवासियों को अंगूठा छाप आदिवासी कहकर संबोधित किया था, जिसके विरोध में पूरे प्रांत भर में आक्रोश है, जिसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में इस कांग्रेसी विधायक का पुतला दहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर के कार्यकर्ताओं के द्वारा भी उनके घोर निंदाई इस बयान को लेकर के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया एवं उन्हें नैतिकता के आधार पर तत्काल रूप से अपने पद से इस्तीफा देने को कहा तथा भूपेश बघेल से भी यह मांग की कि इस कांग्रेसी विधायक को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। अगर इस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद के द्वारा इससे भी भीषण आंदोलन किया जाएगा, ऐसी चेतावनी भी विद्यार्थी परिषद ने दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नारायणपुर, जिला संयोजक में धनेन्द्र मणि निषाद, आज पुतला दहन बृहस्पति सिंह के जो बयान, जो आदिवासी अंगूठा छाप के बयान पर पुतला दहन किया गया, पूरा छत्तीसगढ़ में किया गया। जो कांग्रेस सरकार जो बोल रही है आदिवासी की मिसाहा बोल के, और आदिवासी के जो विधायक हैं उनके जो इस प्रकार की बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज को, संगठन को, जनजातियों को ठेस पहुंचाने का काम किए हैं। ये बहुत निंदनीय है, ऐसे विधायक को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और जो भूपेश सरकार में जो विधायक हैं उनको तत्काल वहाँ से विधायक पद से हटाने की मांग करनी चाहिए। और अखिल विद्यार्थी परिषद उसको मांग कर रही है, जिसे अखिल विद्यार्थी परिषद लगातार इसका विरोध जता रही है, क्योंकि ऐसे विधायक हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। और आज आदिवासी ही लोग वोट देकर आज उनको उच्च मुकाम पर पहुंचाए हैं, आज उनके